हेलो गाइस, आज मैं शेयर करने वाली हूँ बिग बॉस 13 नॉमिनेशन स्पेशल जो कि 1 जनवरी 2020 का है। तो गाइस, नॉमिनेशन इस बार होने वाला है जो कि रेड कलर का मार्क लगाना है सबके फेस पे और एक को दो दो नॉमिनेट करना है। तो ठीक उसी प्रकार रश्मि देसाई नॉमिनेट करती है मायरा शर्मा को और कहती है कि मायरा तुम अपनी ड्यूटी से भागते हो और आप पारस के बिना अधूरे हो इस गेम में। सेकेंड नॉमिनेट करती है वो सफाली जरीवाला को, उनको भी वही कहती है कि आप किसी के मैटर में बेफालतू के आप आ जाते हैं जो कि सही नहीं है, इस तरह से रश्मि देसाई बोलती है। ठीक उसी तरह विशाल भी टारगेट करता है बायरा को। बायरा को बोलता है कि आप मेरी दोस्त थी पर अब नहीं है और आप पारस के बिना अधूरी है बिग बॉस में। तो फिर सेकंड करता है सफारी जलीवाला को, सफारी जलीवाला को भी वो नॉमिनेट करता है। फिर मायरा आती है, मायरा बोलती है कि वो मधुरिमा को नॉमिनेट करती है और कहती है कि मैं तो पारस के बिना अधूरी हूँ, आप लोग को ऐसा लगता है पर आप लोग तो साथ में भी रह के भी आप दोनों अधूरे हैं, ऐसा बोलता है और बोल करती है रश्मि देसाई को नॉमिनेट करती है क्योंकि रश्मि देसाई का जो है आपस में जो लड़ाई है उसके कारण वो मायरा रश्मि देसाई को नॉमिनेट करती है। और फिर कर आता है आसिफ, आसिफ बोलता है, आसिफ भी मायरा को नॉमिनेट करता है और कहता है कि आप अपनी ड्यूटी से भागती है, जो आप लंच के टाइम खाना बनाने के लिए बोलती है मेरा मन नहीं है, उस वजह से बाकी लोग का भी मूड चेंज हो जाता है खाना बनाने को, इस तरह से टास्क हमेशा खाने के लिए भी सुबह सुबह लड़ाई हो जाती है। तो इसलिए आसिफ जरी वालों को भी टारगेट करता है, आसिफ फिर सेकेंड जरी वालों को टारगेट करता है और कहता है कि आप मेरी दोस्त नहीं है और आपके बीच हमेशा लड़ाई होता है इसलिए वो नॉमिनेट करता है।